Hello students, I am Sneha Miss, your maths teacher. This is your maths book. I will show the content of your book. These are the contents of your book. Your first chapter is numbers. जिसमें कुछ टॉपिक हैं. फर्स्ट आपका 5 and 6 डिजिट नंबर. सेकेंड है आपका न्यूमरेशन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन रिप्रेजेंटिंग 5 and 6 डिजिट नंबर ऑन द बेकस, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, स्किप काउंटिंग, कंपेयरिंग नंबर्स, फॉर्मिंग नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स. आज हम लोग 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, 5 and 6 डिजिट नंबर, न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इसको जानने से पहले हम लोग कुछ क्लास 3 से रिलेटेड कुछ हम लोग का एक्सरसाइज है यहाँ पे, उसके बारे में जान लेते हैं. इसको आप अपने क्लास 3 की कॉपी में बना सकते हो या फिर अपने घर में किसी भी कॉपी को इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, ये आपका रिकैप एक्सरसाइज मतलब क्लास 3 का कुछ एक्सरसाइज है, ये आप देख सकते हो. इसमें सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगी. यहाँ देख रहे हो आप, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. सबसे पहले इसमें हम लोग प्लेस देते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. जिसमें 2000 के प्लेस पे था तो यहाँ मैंने 2000 लिखा, 400 के प्लेस पे था तो 400 लिखा, और 36 को जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग टेंस और वंस को एक साथ लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 36 लिखा. ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स. फिगर्स मतलब नंबर में लिखना है आपको. ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग प्लेस देंगे. प्लेस देने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर स्टार्टिंग किस चीज़ से है. यहाँ आप लोग देख रहे हो कि ये 3000 से स्टार्टिंग है, मतलब यहाँ 1000 तक हम लोग को प्लेस देना है. जैसा मैंने यहाँ दिया है वंस, टेंस, हंड्रेड और 1000, तो 1000 तक मैंने प्लेस दिया. फिर उसके बाद 1000 के प्लेस पे क्या था, 300 के प्लेस पे 4, और टेंस और वंस को साथ में लिखते हैं 20. 20 के लिए यहाँ 2, 20 में जब 1 ऐड करते हैं तो 21 होता है, तो 1 यहाँ पे मैंने लिखा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इसमें भी हम लोग प्लेस देंगे और जो जिस प्लेस पे है उसका सम हम लोग शो करेंगे. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 4000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 2, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि ये मैंने कैसे किया है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग. सक्सेसर मीन्स होता है बाद वाला नंबर, मतलब आफ्टर वाला नंबर, और प्रीडेसेसर मीन्स होता है बिफोर वाला नंबर. यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर और प्रीडेसेसर लिखना है, जिसमें 1000 होता है. आप लोग को पता है ना कि 1000 जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो 1000 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 1001 होगा, और 1001 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो 999 होगा, क्योंकि सक्सेसर के लिए हम प्लस 1 करते हैं और प्रीडेसेसर के लिए हम लोग माइनस 1 करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिल इन द बॉक्सेस विथ लेस देन और ग्रेटर देन साइन, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे 1000 के प्लेस वाले नंबर को कंपेयर किया है. जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ 4 था और यहाँ 3 था, यहाँ मैंने दोनों नंबर को लिख के इसको कंपेयर किया. 4 और 3 में 4 बड़ा था इसलिए मैंने 4 के साइड साइन लगाया, इसीलिए ये नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए मैंने भी यहाँ साइन लगा दिया. नेक्स्ट टॉपिक है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. इसमें हम लोग छोटे से बड़े के रूप में नंबर लिखते हैं. जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हो, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा. नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा. ठीक है, और लास्ट टॉपिक है आपका यूज 2087 एंड फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. इसमें आपको इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है. जब हम लोग लार्जेस्ट डिजिट बनाते हैं तो बड़े से छोटे के रूप में, मतलब डिसेंडिंग रूप में लिखते हैं. यहाँ देख रहे हो आप लोग, पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा. और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हम लोग छोटे से बड़े के रूप में लिखे, मतलब असेंडिंग रूप में.
छोटा, फिर उस यहाँ पे जीरो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जीरो का आगे कोई वैल्यू नहीं होता है और यहाँ हमको जीरो को इंक्लूड करना था, इसलिए मैंने टू के बाद जीरो लिखा, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है 5 and 6 डिजिट नंबर, जिसके लिए मैंने कुछ बनाया है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 6 डिजिट तक जितने भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर थे उनको शो किया है, यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर उनके लिए कैसे हम लोग प्लेस देते हैं वो मैंने दिखाया है, यहाँ आप लोग देख सकते हो। 5 डिजिट के लिए हम लोग 10,000 तक का प्लेस देते हैं और 6 डिजिट में हम लोग लाख तक का प्लेस देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं 10,000 और इसको 99, या 10,000 है ना, तो ये 99,999 और इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं 1 lakh, बिकॉज 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, तो लाख के प्लेस पे क्या है 1 lakh, ठीक है। और यहाँ पे 9,99,999, ठीक है। और आपका देन नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्रेसिंग द नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। जब हम लोग नंबर को वर्ड में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन, ठीक है। द नंबर सिस्टम डैट वी हैव लर्नड सो फार इज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम लोग लंबे प्रोसेस में हम लोग कौन सा सिस्टम का यूज करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसको हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम भी बोलते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें दो दो कॉलम्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हो ये आपका हिंदू अरबिक सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है, जिसमें लाख का 2 प्लेस है, 10 lakh और लाख, 1000 का 2 प्लेस है जिसमें 10,000 और 1000, और वंस में आपका 100, 10s और 1s तीनों आता है, ठीक है। जैसा आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें 3 प्लेस आते हैं, 1s, 1000 और lakh, लाख के लिए 2 प्लेस और 1000 के लिए 2 प्लेस और वंस में यहाँ 3 प्लेस, ठीक है। यहाँ पे वंस प्लेस पे 1s, 10s और 100 और 1000 में 1000, 10,000 और लाख में लाख और 10 lakh। इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन में इसमें हर प्लेस पे 3 अलग प्लेस होता है, जैसे यहाँ देख रहे हो मिलियंस, 1000 और 1s। मिलियंस में 100 millions, 10 millions और मिलियंस। 1000 में 100,000, 10,000 और 1000 और 1s में 100, 10s और 1s। जैसा मैंने यहाँ दिखाया है सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 lakh = 100,000 और 10 lakh = 1 million, ठीक है। अब इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, तो यहाँ आप लोग देख रहे हो इसको तो आपको रीड करना आता है 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, मतलब 7 के प्लेस पे लाख है, तो लाख से हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 lakh। इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे 43,296, बट ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये जो है एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इसको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और इसको एक साथ पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे 743,296, ठीक है, 743,296। उसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे भी, ठीक है, जैसा यहाँ आप लोग को लिख के बताया गया 743,296 और इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बताया था 743,296, ठीक है। अब इसमें हम लोग कॉमर्स कैसे देते हैं वो आप लोग देखो। यहाँ पे हम लोग, यहाँ 4 lakh था ना, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखो मैं इस पर दिखा रही हूँ 1s, 10s, 100, यहाँ 100 के बाद एक कॉमा लगता है और फिर 1000 और 10,000 के बाद एक कॉमा लगता है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे कोई कॉमा नहीं क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं है, जैसा मैंने आपको दिखाया था इसमें चार्ट में, आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ तक एक वंस का कैटेगरी बनता है और यहाँ थाउजेंड का और फिर लाख का, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने एक हंड्रेड के बाद कॉमा और एक थाउजेंड के बाद कॉमा यहाँ पे लगाया है, ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हो, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम में तीन तीन कॉलम डिवाइड होता है, वंस टेंस और हंड्रेड का एक कॉलम और यहाँ पे थाउजेंड टेन थाउजेंड और हंड्रेड का, ठीक है, हंड्रेड थाउजेंड का, तो 483,000 का यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको 100,000, 10,000 और 1,000, इसी तरीके से हम लोगों ने इसका कॉमा दिया। नेक्स्ट आप लोग देख लो एक बार, जिसमें यहाँ लाख के कैटेगरी पे और यहाँ सॉरी यहाँ 10,000 के बाद और यहाँ पे 100 के बाद और यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे तीन कॉलम में डिवाइड होता है, तो यहाँ तीन पे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। सो टेक केयर ऑफ यू, बाय।